जय हिंद साथियों, आज मैं आपको एमईजी सेंटर में जो मार्च पूछ गई थी वो बताऊंगा, और जिस लड़कों ने ये मार्च बजाई थी वो सारे लड़के पास हुए थे। ये करीब 5-6 लड़कों ने बजाई थी ये मार्च, और वो सारे के सारे लड़के पास हुए। ये कम बजाते हैं लोग, कम लड़के बजाते हैं क्योंकि किसी को ज़्यादा आती नहीं है। तो मैं आज आपको एमईजी सेंटर में पूछी गई स्लो मार्च ओल्ड लाइन से सुना के बताऊँगा। मैंने भी बजाई थी, मैं भी पास हुआ था। तो मैं आज आपको एमईजी सेंटर में पूछी गई ओल्ड लाइन से स्लो मार्च मैं आपको थ्रमपिट में बताऊँगा। ऐसे बजाई जाती है और काफ़ी अच्छी मार्च है, और काफ़ी कम लड़के बजाते हैं इसको। यूँ समझ लो कि कोई बजाता नहीं है, जिसको आती है, जो ज़्यादा उस्ताद है वही लड़का बजा पाता है इसको। तो मैं आज आपको ओल्ड लाइन से सुना के बताता हूँ। लाइन सन स्लो मार्च थी, और काफ़ी अच्छी मार्च है, बहुत पुरानी। ओल्ड लाइन सन नाम ही इसका ओल्ड लाइन सन है। ये जैकलाई सेंटर में लैपटॉप पे महेंद्र दास आया था शायद, उसने वहाँ पे जाके लैपटॉप पे ये साउंड सुना रहा था कि ये कौन सा मार्च है ये बताओ। तो ये काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट मार्च है, तो आपको ये मेरे को बताना था। और काफ़ी कम लड़के इसको बजाते हैं और काफ़ी कम लड़के इसको सीख पाते हैं। तो जय हिंद जय भारत। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे YouTube चैनल को, और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो कर लें। Instagram पे भी कर सकते हैं, और YouTube पे आप हमको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे और भी काफ़ी जानकारी आपको हम उपलब्ध कराते रहेंगे। तो जय हिंद जय भारत।